देखिए अजमेर में सोमवार को एक बार फिर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है और ये कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है ये अजमेर का जो धान मंडी का इलाका है यहाँ पे होटल संचालक है, अपनी होटल को यहाँ पर दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहाँ है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। लॉकडाउन के दौरान भी चला रहा था, किसी प्रकार का कोई मूवमेंट होने की जानकारी यहाँ पर हमारे सूत्रों से प्राप्त हो रही है कि लॉकडाउन के दौरान भी होटल के अंदर किसी प्रकार का मूवमेंट हुआ था। जो शख्स है, जो पॉजिटिव शख्स आया है, ये शख्स पिछले 5 दिन से अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अंदर भर्ती है और मरीज के अंदर इस वक्त खांसी और बुखार के बहुत ज्यादा सिम्टम्स लक्षण है वो नजर आए हैं। यानी कि 5 दिन से लगातार इलाज चल रहा है, लेकिन उस इलाज के बावजूद भी मरीज को जो बुखार और खांसी के लक्षण है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खांसी सबसे ज्यादा परेशान इस मरीज को कर रही है और हमारे सूत्र ने इस मरीज से बातचीत की है और उस बातचीत के आधार पर एफटीवी इंडिया बहुत सारी जानकारियां हमने यहाँ से एकत्रित की है और उससे हमको एक बात की जानकारी, इसके परिवार के सदस्यों की जानकारी भी हमको मिली है। ये जो शख्स है ये अजमेर चौथी गेट में रहता है और जो होटल है ये इनकी होटल धान मंडी इलाके के अंदर होटल है अजमेर के, और होटल में जो एक रास्ता है होटल का एक रास्ता मुस्लिम मोची मोहल्ले की तरफ खुलता है और एक रास्ता जो है वो धान मंडी की ओर खुलता है। सबसे खास बात यह है कि इनके मूवमेंट्स को लेकर जो बात सामने आई है वो बात ये सामने आई है, जब हमारी इससे बातचीत हुई है, हमारे सूत्रों ने जो बातचीत की है तो उस आधार पर ये जानकारी हम हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि जो होटल संचालक था, होटल संचालक ने जानकारी ये दी है कि जब मुस्लिम मोची मोहल्ले के अंदर मेडिकल की टीम सैंपलिंग और स्क्रीनिंग के लिए आती थी तो उस दौरान इस इलाके के अंदर लोग इधर से उधर भगदड़ थोड़ी सी मचाते थे, यानी कि लोगों का मूवमेंट इधर से उधर होता था और उस मूवमेंट के दौरान कुछ युवक ऐसे होते थे जो इनकी होटल के पास भी आते थे, इनके पास भी आते थे और क्योंकि ये होटल के रिसेप्शन और गेट के पास मौजूद रहते थे और इसीलिए उनसे इनका कहना है कि ये उसमें से कोई भी व्यक्ति अगर कोई संक्रमित हुआ हो तो उसके ये संपर्क में आए हैं, उसके संपर्क में आने के बाद इनके इनमें भी कोरोना के लक्षण जो है वो दिखाई देना शुरू हुए हैं। लक्षण दिखाई देते ही तुरंत प्रभाव से ये अस्पताल गए और अस्पताल में इनकी हालत को देखकर अस्पताल प्रशासन ने इन्हें तुरंत प्रभाव से एडमिट कर लिया। 5 दिन से अस्पताल में मौजूद है। घर के सदस्यों के बारे में जब जानकारी हमने प्राप्त करनी चाहिए तो स्पष्ट तौर पर मरीज ने ये बताया है कि उन्हें उनके परिवार के सदस्यों में किस तरीके की हालत इस वक्त घर में है, किसी को कोई लक्षण कोरोना का है या नहीं है ये किसी प्रकार से पता नहीं अभी चल पाया है, लेकिन इतना जरूर है कि लॉकडाउन के दौरान ये जो शख्स है ये अपनी होटल के अंदर किसी प्रकार की एक्टिविटीज गतिविधियां यहाँ पर संचालित कर रहा था और अपने होटल से घर तक भी मूवमेंट इस शख्स का था। 50 साल इस शख्स की उम्र है और 50 साल शख्स उम्र होने के चलते हो सकता है कि धान मंडी से उसी गेट का जो इलाका है यहाँ से पैदल मूवमेंट करता हो और पैदल मूवमेंट करने के दौरान क्योंकि बुजुर्ग शख्स है तो उस तरीके से पूछताछ और पुलिस ने इसको रोका भी नहीं होगा और उसी का नतीजा यह है कि जो लॉकडाउन के दौरान भी अन्य गतिविधियां जो संचालित होटल में की जा रही थी उसको लेकर हो सकता है किसी ये जो शख्स है ये किसी संक्रमित युवक के संपर्क में आया हो और वहां से कोरोना का जो वायरस है वो इनके अंदर भी पहुंचा हो। लेकिन मुस्लिम मोची मोहल्ले से लगातार जो 100 का आंकड़ा है वो अकेले मुस्लिम मोची मोहल्ला इलाके से पूरा हो चुका है और अब ये जो मामला आया है ये धान मंडी में इनकी होटल है यहाँ से सामने आया है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सामने मरीज आया है मुस्लिम मोची मोहल्ले में जो 100 लोग थे उनमें बहुत लोगों में 60 से ऊपर लोगों में किसी प्रकार के लक्षण नहीं थे, लेकिन इनके अंदर लक्षण मौजूद हैं और सबसे खास बात यह है कि हमारे सूत्र ने जब इनसे बातचीत की तो उस बातचीत के आधार पर कई तरह की और जानकारी भी हमको प्राप्त हुई है, जिसमें अस्पताल के अंदर इनके लिए जो इलाज है, इलाज के दौरान इनको बुखार सुबह उतर जाता है लेकिन देर शाम होते होते बुखार वापस आ रहा है इनको, और खांसी जो इनको इस दौरान हो रही है वो खांसी इनकी जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 5 दिन से लगातार अस्पताल के अंदर ये भर्ती हैं। अस्पताल की बाकी की जो सुविधाओं पर अगर बात हमने इनसे की है तो बाकी की सुविधाओं के लिए उनका साफ तौर पर कहना था कि बाकी की सुविधाएं तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन जब हमने इनके परिवार में किसी प्रकार के लक्षण की बात की है तो इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उनको उनके परिवार के अंदर क्या हालात है इसके बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इस शख्स की रिपोर्ट आज कोरोना पॉजिटिव आई है उसको लेकर
अब संचय मेडिकल की टीम के सामने चुनौतियां कई तरीके की हो चुकी हैं, क्योंकि जो मूवमेंट इन्होंने अपने होटल के दौरान किया है, होटल में जो गतिविधियां चल रही थी या कुछ मूवमेंट जो भी किसी प्रकार के मूवमेंट चला था, जांच का विषय है कि आखिरकार मूवमेंट प्रकार का वहां पर हो रहा था, क्या यहां पर इनकी जो होटल है वहां पर कुछ और गेस्ट रुके हुए हैं, कुछ बाहर के लोग रुके हुए हैं, इसके बारे में अभी तक पूरी जानकारी हमारे पास नहीं आ पाई है। लेकिन जब पुलिस जांच करेगी, पुलिस की जांच में ये पता चल पाएगा, मेडिकल की टीम की जांच में पता चल पाएगा कि आखिरकार इस होटल के अंदर क्या वाकई किसी प्रकार का यहाँ पर रहने का या फिर कोई भारी व्यक्ति या फिर शहर से कोई व्यक्ति आकर ठहरता था या रुकता था, तो इसके बारे में जांच के बाद खुलासा हो पाएगा। लेकिन आज जिस तरीके से एमपीटीवी ने सबसे पहले ये जानकारी एक्सक्लूसिव निकाल के दी है, और उसके साथ साथ हम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, और आज जब सुबह 9 बजे की रिपोर्ट स्टेट के मेडिकल बुलेटिन में आई तो उसके अंदर अजमेर का जो आंकड़ा है वो शून्य था। वहां पर किसी प्रकार से जो एक कोरोना पॉजिटिव सोमवार सुबह आया है उसकी जानकारी उस रिपोर्ट के अंदर नहीं थी, लेकिन एमपीटीवी इंडिया ने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस खबर को ब्रेक किया, खबर को ट्विटर के माध्यम से जारी किया, और एनडीटीवी इंडिया ने यह बताया कि अजमेर के अंदर सोमवार की सुबह एक कोरोना पॉजिटिव मरीज आया है। लेकिन स्टेट की मेडिकल की जो रिपोर्ट आती है जो सुबह 9 बजे दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे जारी होती है, उस रिपोर्ट के अंदर इस एक कोरोना पॉजिटिव मरीज का जिक्र नहीं है, और इसके बाद में लगातार जो चिकित्सा विभाग है उसके आंकड़ों को लेकर कई सवाल खत्म होने लगे थे, क्योंकि हमने देखा कि जब अजमेर का आंकड़ा 114 था, 114 सूची जारी कर दी गई थी जिसमें 2 मरीजों को रिपीट कर दिया गया था, ठीक उसी तरीके की गड़बड़ आज एक बार फिर सामने आई है। हालांकि जो अजमेर के सीएमएचओ हैं डॉक्टर के सोनी, उनसे एमपीटीवी इंडिया की बातचीत हुई है, और उस बातचीत के बाद उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि सुबह 7 बजे जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है इसकी जानकारी आ चुकी थी, और उसके बाद 9 बजे की रिपोर्ट है उसमें किसी खतनी के कारण से हो सकता है कि आंकड़ा ना आया हो, लेकिन दोपहर की जो 2 बजे की रिपोर्ट आएगी उसके अंदर ये आंकड़ा आ जाएगा। लेकिन एक बार फिर एमपीटीवी इंडिया ने अपने दर्शकों का भरोसा जीता है, और हम लगातार सटीक आंकड़ों को विश्वसनीय पत्रकारिता को निभा रहे हैं, और अपने दर्शकों तक सटीक जानकारी को पहुंचाने की जो जिम्मेदारी हमारी उसका निर्वहन कर रहे हैं, और एक बार फिर एमपीटीवी इंडिया अपने दर्शकों के बीच अपनी जिम्मेदारी को वापस साबित करता हुआ नजर आ रहा है। आज एक पॉजिटिव आया है जो दरगाह बाजार धारमंडी में होटल साहिबा है, उसके जो ओनर है वो पॉजिटिव है, और वो दरगाह एरिया में उसका काफ़ी लोकेशन वहीं घूमता था, और वो पॉजिटिव आया, अब तक आंकड़ा 124 पॉजिटिव हो चुका है।